देखिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया, मैंने उसे बुलाया, दोनों में डिफरेंस क्या ध्यान दीजिए। मुझे बुलाया गया एक सेंटेंस ये है और दूसरा है उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। एक करने, एक में काम करने वाला जिंदा है और एक में मर गया है, ठीक है। हाँ बस कोड़ी खाने को मिलेगा, तेरा ही हो जाए। अभी अभी बारहवीं चल रही, बारहवीं बाद तेरा ही हो, ठीक है, तब कोड़ी खाओगे एक साल बाद। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे बुलाया गया, किसने बुलाया नहीं पता है, क्लियर है। उसने मुझे बुलाया, पता है कि उसने बुलाया। मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आप लोग अपने अपने अनुसार समझ सकते हो मुझे किसने बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, और ये है पैसिव वॉइस, सही है ना। अब यहां पर ध्यान दो, आ का मात्रा, जब लास्ट में आ का मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ए का मात्रा हो, या जो लास्ट में ता था, ती थी और ते थे हो, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, अरे हिंदुस्तानी नहीं है तो पाने नहीं हो, हिंदुस्तानी की तुम बात कर रहे हो, बेटा पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है बच्चा। ता था, ती थी, ते थे, लास्ट में आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा, ये आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, समझ में आया। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर काम करने वाला गायब हो तब क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वाज या वर लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर काम करने वाला है तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, अदर ऑब्जेक्ट लिखना है, क्लियर है। मारो इसको गोली, काम करने वाला है या नहीं, इससे नहीं मतलब है। अगर लास्ट में गया, गई, गए हो, या जो है जाता था, जाती थी, या जो है जाते थे हो, लेकिन वहां पर गो वाला जाना नहीं है, गो वाला जाना ना हो, तो उस केस में आपको ये इस वाले स्ट्रक्चर पर चलना है, क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अगर उसका मतलब हो तब तो ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडिपेंडेंट वाला तो है ही। जैसे मुझे बुलाया गया, यहां गो वाला जाना नहीं है कि गो वाला जाना है, नहीं है, तो मुझे बुलाया गया, गो वाला जाना नहीं है, तो बताइए सब्जेक्ट प्लस बी टू में चले या सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर के साथ थर्ड फॉर्म में चले। थर्ड फॉर्म में चलोगे, मुझे बुलाया गया, किसने बुलाया नहीं पता है, है ना। जब ना पता हो और गया, जाना गो वाला जाना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, उसने मुझे बुलाया, काम करने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही या सी, जो समझ पाओ समझ लो, एग्जाम में एक ही समझ, एक ही लिख, क्लियर है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड और मुझे तुम्हें, दोनों में अंतर समझ में आया, इतना क्लियर है। एक सेंटेंस लिखिए, आपको समझ में आया, देखिए कौन सा टेंस है, आपको समझ में आया, और दूसरा लिखिए आपको समझाया गया, देखिए आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, और दूसरा आपको समझाया गया, इसीलिए तो समझ में आया, कहीं धूप कहीं छाया, पहले तो थोड़ा सा शर्माया लेकिन फाइनली समझ में आया, ठीक है, आया।
कैसे भी आया, कुल मिलाकर आया। आपको समझ में आया, आपको समझाया गया। अब बताइए पहला किस में, ये पहले को इस वाले स्ट्रक्चर पर चलोगे कि उस वाले स्ट्रक्चर पर? इस वाले पर चलेंगे। आपको समझ में आया, पता है कि किसको समझ में आया? आपको, यानी कि यहां पर होगा यू गॉट, अंडरस्टैंड यू गॉट, अंडरस्टैंड। अब देखिए गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, लगा है ना, गेट अंडरस्टैंड मीन समझना। लेकिन यहां पर आपको समझाया गया, आपको समझाया गया, पता नहीं है किसने समझाया या जाना वाला गया नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू वाज गेट नहीं, थर्ड फॉर्म ही लगता है ना, यू वाज गॉट अंडरस्टैंड। दोनों में क्या अंतर है, समझ में आ गया ना? यही जब क्वेश्चन के फॉर्म में बोला जाता है तो इसे अब समझ में आया, क्वेश्चन के टोन में गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, क्वेश्चन के टोन में बोला जाता है गॉट इट मीन समझ में आया या गॉट इट, हाँ समझ में आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? या आई एम गेटिंग पॉइंट, मैं समझ रहा हूं। क्लियर है, ये समझ में आया, इतना क्लियर है आपको? सिंपल सा याद रखना है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर गया गई गए, जाता था जाती थी जाते थे, लेकिन गो वाला जाना नहीं है, तब वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म में चलना। अगर गो वाला जाना है या जो आ का मात्रा ई का मात्रा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चलना। जैसे अभी कौन सा त्योहार मनाया गया हाल फिलहाल में? बकरी। लिखिए हाल ही में, हाल ही में ईद का त्योहार, हाल ही में ईद का त्योहार मनाया गया, हाल ही में ईद का त्योहार मनाया गया। और दूसरा लिखिए हम लोगों ने या हमने ईद का त्योहार मनाया, हमने ईद का त्योहार मनाया। अब बताओ दोनों में अंतर है, हाल ही में ईद का त्योहार मनाया गया उसमें काम करने वाला नहीं है, या ऐसे समय में गो वाला जाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द फेस्टिवल ऑफ ईद वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, या रिसेंटली पहले कर दो, है ना, इस तरह से रिसेंटली आप पहले कर दीजिए और कॉमा लगा दीजिए। रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में, या करेंटली बोल दीजिए हाल ही में ईद का त्योहार, यानी कि द फेस्टिवल ऑफ ईद, ईद का त्योहार मनाया गया, नहीं पता है काम करने वाला, है ना, या मनाया गया, गया जाना, गो वाला जाना नहीं है, बेंट वाला गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वाज सेलिब्रेटेड, वाज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। लेकिन दूसरा हमने ईद का त्योहार मनाया, काम करने वाला हम लोग हैं, है, यानी कि बी सेलिब्रेटेड, बी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ ईद। दोनों अंतर समझ में आ गए ना? बी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ ईद, इतना क्लियर है, समझ में आया सबको? इसे लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहां पर भाई ऐसे समझो ये पाप हो जाते हैं छोटे मोटे पाप, तो एक पाप मुझसे भी हो गया है। यू के साथ क्या होगा? वर का यूज किया जाता है ना, यू वर गॉट अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर दिस, इसे लिख लीजिए। थैंक यू।